आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ, आपने हकीकत में यह सुना है, क्योंकि जो हम जानकारी लेकर आते हैं वह प्रत्यक्ष के समान होती है। हम जो एक्सपर्ट कट ऑफ लेकर आते हैं वह सही साबित होती है। आप चाहे तो वर्ग दो की अभी सेकंड काउंसलिंग की देख लीजिए या इससे पहले के एक्सपेक्टेड कट ऑफ उठा लीजिए, हमने जो कहा वही होगा। तो इसी प्रकार हमने एनालिसिस वर्ग तीन का किया है, लिखकर रख लीजिए। वर्ग तीन में यदि आप कितने अंक हैं तो वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम आपका आ जाएगा। तो देखिए इस आधार पर कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ले रही है। हम जो है जानकारी दे रहे हैं वह नॉन गेस्ट के लिए दे रहे हैं। हमने गेस्ट के लिए भी वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो की स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। नॉन गेस्ट में वाली हम जानकारी दे रहे हैं मेल के लिए। यदि आप फीमेल के लिए चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कैटेगरी, फिर देखते हैं मार्क्स। यह हमने फुल एनालिसिस करने के बाद यह फाइनल का टॉप लेकर आएगी। सबसे बड़ी एक्सपेक्टेड महा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो फाइनल रहने वाली है। सभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का निचोड़ इसमें रहेगा, सभी का सारांश इसमें रहेगा, सब जो होने की होगा वह इसमें मिलेगा। तो देखें सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर की। यूआर में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह आपकी 110 से 115 के मध्य रह सकती है। यह हम सिर्फ जो लिस्ट बता रहे हैं कि यदि आप कितने अंक हैं तो वेरिफिकेशन लिस्ट में आपका नाम अनिवार्य तौर पर आ जाएगा। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें हमने कहा है कि यह होने वाला है। वही बात करें हम ओबीसी की, तो ओबीसी में जिसके अंक 108 से 112 है कि मध्य है, उसका नाम वेरिफिकेशन लिस्ट में अनिवार्य तौर पर आ जाएगा। एससी की बात करें तो एससी में जिसके भी अंक 103 से 108 के मध्य है, उसका नाम वेरिफिकेशन लिस्ट में वर्ग तीन की आ जाएगा। वही बात करें एसटी की, तो एसटी का जो वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम है वह है 80 प्लस, जो भी एसटी है उनका नाम आ जाएगा। मैक्सिमम में जो आपने बताया वो 65 मार्क तक एसटी में सिलेक्शन मिल जाएगा, लेकिन जो सेफ जॉब है जो श्योरली है वो 80 प्लस रहेगा, क्योंकि इसमें हमने कहा है कि लिख कर रख लीजिए जो होना ही चाहिए। तो यह थी आपकी एसटी की। वही बात करें हम ईडब्ल्यूएस की, तो अभी तक हमने पिछली सभी कट ऑफ में ईडब्ल्यूएस को बताया था कि यह है ओबीसी से नीचे तक जाएगी, लेकिन इस कट ऑफ में हम निचोड़ लेकर आए हैं, इस कारण से यह बताती है कि यह ओबीसी से ऊपर रहेगी या ओबीसी के समकक्ष रहेगी। तो लगभग इसकी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यदि आप कितने अंक हैं तो आप सिलेक्शन निश्चित तौर पर मान लीजिए 108 से 113 के मध्य। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।